इट्स टाइम टू राइड गाइस, क्योंकि हम आ गए सिग्नेचर पे और यहाँ गाड़ी तो बस भागेगी। तो भाई 122 टच हो गई है गाड़ी फुल। सो हे व्हाट इज अप बरी, इट्स योर बॉय हुमैर बैक इनटू द गेम विद अ न्यू वीडियो। वे तो कैसे हो सारे यार, काफी दिनों बाद आए हम व्लॉगिंग चैनल पे अपने इस बाइक के साथ बात। मतलब अभी कम से कम हो गया तकरीबन 1 से 2 महीना, ज़्यादा हो गया शायद यार। गजनी की औलाद, मैं जब से कोलकाता गया तब से मैंने शायद कोई बाइक व्लॉग बनाया ही नहीं है बाइक का। बस दिक्कत ये हो रही थी यार गाइस कि मेरे को माइक नहीं मिल रहा था। तुम यकीन नहीं मानोगे भाई, मैंने 2,000-3,000 के माइक खरीदे, ठीक है। मैंने अपने बाइक में सारा काम वाम सब कुछ करवा लिया, बिल्कुल प्रॉपर सेट हो गया। उसके बाद फिर दिक्कत ये हुई कि वो भी नहीं चला, आईफोन में ही दिक्कत है भाई। तो सबसे बेस्ट और सबसे सस्ता जुगाड़ जो मेरे को मिला है भाई, वो मिली है 170 रुपये की लीड, समझ रहे हो। तो ये सीन हुआ है मेरे साथ पिछले 3 महीने की संघर्ष के बाद, और अभी भी पता नहीं इस लीड से क्या रिस्पॉन्स आने वाला है, क्या आवाज़ आने वाला है, क्योंकि मैंने इसे लगाया तो सही जगह पर है। बाकी देखते हैं यार, अभी यहाँ से अभी हम लोग जा रहे हैं संगम यार, क्योंकि आज जो है ना मौसम हुए देख रहे हो भाई, इतना सेक्सी मौसम है ना कि बस क्या ही बताऊँ। और मेरे साथ जा रहे हैं फैज़ान भाई, पीछे बैठे हैं। अभी हम लोग निकलते हैं संगम विहार की तरफ यार, और फिर देखते हैं कि क्या होता है वहाँ पर जाके। फजील भाई अपना वेट कर रहे हैं गाइस, और अभी अपन लोगों को जाना है जल्दी से बस, क्योंकि बहुत देर से वेट करा रहे हैं उसे। कब से बोले जा रहा हूँ कि भाई आ रहा हूँ, कोई नहीं कर लेगा बंदा वेट। यार चल दो। एक तो ये DGP वाले ना ये बहुत ज़्यादा परेशान करे भाई, दिल्ली जल बोर्ड। तो भाई गाइज अभी मैंने ये सोचा है कि भाई मैं बाइक के व्लॉग्स को कंटिन्यू करूँगा, ठीक है। मतलब जितने भी मेरे व्लॉग्स बन रहे हैं बाइक के, सब कुछ इन सब को मैं कंटिन्यू करता हूँ अभी, और आगे जाने के बाद देखते हैं कि किस तरीके से करना है। बाकी मेन फोकस तो अभी यही है कि बाइक के व्लॉग्स पे ध्यान दूंगा, क्योंकि सच बताऊँ यार तुम्हारे भाई ने डेली व्लॉग्स का भी ट्राई करा, मतलब बहुत ज़्यादा ट्राई करा। डेली व्लॉग्स तो मैंने डाले, लेकिन डेली व्लॉग्स में ना यार दिक्कत ये है कि अपन का भी कोई ऐसा कोई फेम या मतलब कुछ ऐसा इंटरेस्टिंग नहीं है दिखाने को। यार क्या दिखाऊँ मैं, दिन भर में अपना कुछ इतना खास होता नहीं है। तो अब बस यही रहेगा कि बाइक लूँगा, बाइक लेके निकलूँगा और तुम्हें एग्जॉस्ट की आवाज़ सुनाऊँगा और बाइक घुमाऊँगा भाई, बस समझ रहे हो। तो अभी इस ट्रैफिक से निकलते हैं और फिर उसके बाद देखते हैं क्या सीन है गाइस। ओके बाकी गाइस रिएक्शंस ऑन द फ्लोर है सब लोग। हाय भाई, देख रहे हो गाइस फुल रिएक्शन, हेलो सब चल रहा है भाई। अभी यही होता है भाई, बाइक जब तक रोड पे खाली चल रही होती है ना कोई ध्यान नहीं देता है, लेकिन जहाँ कैमरा दिख जाता है ना आज के दुनिया में लोगों को भाई। बट थैंक यू सो मच यार ऐसे रिएक्शंस देने के लिए, खुशी होती है दिल को। रेड लाइट तोड़ दूँ क्या गाइस? औकात में रहो। चले बे, अपने इलाके में कौन वेट करता है ना, ऐसी तैसी में जाओ। बहुत सही रॉर आवाज है भाई इसकी फुल। ये एग्जॉस्ट में जब लाया था ना भाई, इसकी आवाज बहुत स्लो थी, मतलब स्लो इंसेंस इतनी भी नहीं थी, पब्लिक को दिखाने लायक थी कि आवाज़ आ रही है। अब ये इतना लाउड हो चुका है ना भाई, इसे हर बंदा घूर लेता है। मतलब मैं अभी यहाँ तो नहीं, यमुना विहार में दिखाऊंगा आपको इसका ट्रेलर, यमुना विहार से निकलेंगे अपन लोग तो वहाँ दिखाता हूँ मैं आपको इस एग्जॉस्ट का जो असली मकसद है ना वो हो क्या रहा है आगे। बाकी हेलमेट थोड़ा सा नीचे कर लिया क्योंकि मुझे एंगल का कुछ पता नहीं है भाई, एंगल कैसा आ रहा होगा इसमें। यही दिक्कत है ब्रो, आईफोन GoPro यू नो। कैमरा लेंगे, जल्दी लेंगे भाई, इंशाल्लाह लेंगे कैमरा, दुआ करो। बस थोड़ा सा व्लॉग उठाओ, सपोर्ट करो, लाइक सब्सक्राइब शेयर सब कुछ करो, फिर कैमरा भी लेंगे, GoPro 360 सब खरीदेंगे। एक टाइम था अपना जब हम भी स्कूल जाया करते थे गाइस, फुल पेपरों में पेपर दे के आ रहे हैं भाई, एक अलग ही मतलब एक्साइटमेंट यू नो फीलिंग होती थी भी, पेपर दे के आ रहे हैं भाई अब रेस्ट करना है, कल 2 दिन की छुट्टी है, परसों पेपर है, 2 दिन कुछ नहीं है, आज पूरे दिन मौज मारेंगे। अरे यार लाइक है क्या, हम करने दे। पेट्रोल भी इसमें कम है यार, तो अभी पहले पेट्रोल पंप चलते हैं, उसके बाद फिर कहीं का प्लान करेंगे, ठीक है आगे। इसमें परसों तेल डला था और परसों ये बाइक गई थी यहाँ से उत्तम नगर साइड, और उसके बाद फिर फजील भाई का फोन आ रहा है। ये फजील बहुत बेचैन होता है भाई, आज तो पता नहीं क्या ही हो गया इसे, बेचैन हुआ जा रहा है कि कब आएगा पता नहीं। मौसम धूप निकल गई है ब्रो, अब कौन सा मौसम का मजे लेगा यार, बहुत जाम है इस रोड पे। तो
भाई इंदन निल्ला बनना राजी हूँ। किसी की मैयत आ रही थी तो गाइस हमें साइड से निकलना पड़ा, अभी जनाजा जा रहा है। बाकी यार फैजान भाई गलत टर्न ले लिया हमने, गलत ले लिया यार ये बाइक। अरे भाई व्हाट, पीछे आ जाओ चाचा। क्या यार गली में डाल लिया हमने तो। भाई बहुत जाम है भाई, हर जगह जाम है गाइस। फैजान भाई का यमुनानगर में पुराना याराना रहा है गाइस, तो फैजान भाई को सब पता है यहाँ के बारे में। तो मैं जो कुछ पूछना हो, कुछ भी भाई, कुछ भी वाइट ब्लैक सब कुछ पूछ सकते हो तुम इनसे यहाँ के बारे में, समझ रहे हो ना गाइस? वाइट ब्लैक तुमने समझोगे, छोटी बच्ची हो क्या, समझ नहीं आता कि बाकी पता नहीं गाइस ये बाइक कैसे ठीक हो गई। पहले ये न्यूट्रल पे ऑन हो रही थी, अभी हर घर पे ऑन हो रही है। लेकिन यार R15 में ना बैटरी का बहुत गंदा इशू है भाई, इसे तीन दिन, एक दिन खड़ा कर दो, एक दिन छोड़ो भाई, मैं बोल रहा हूँ 15 मिनट इसे बाइक को, बस चाबी ऑन करके 10 मिनट खोल दो, ठीक है? ये बाइक फिर ऑन नहीं होनी कि भाई धक्का मारे भी ना, ये ध्यान रखना यार। भाई जगह ही दे दो यार प्लीज, बहुत देर से जाम में ना पके पके। अभी भजनपुरा का हाल दिखाऊंगा तुम्हें, तुम रो दोगे गाइस। बाकी मैं दूसरी शॉर्टकट से निकालूंगा तो कोई मेरे को दिक्कत नहीं होगी भजनपुरा में भी। भाई तुम क्यों पीठ थप्पड़ मारे ये बता दो, तो क्यों पट रही है मेरे पीछे भागने बैठने में तुम्हें, मैं जब बैठता तो मेरी ने पट्टी। बताओ भाई फैजान द राइडर नहीं है गाइज, ये मुझसे डर रहे हैं। मैंने तो अभी 1 साल ही हुआ है बाइक हाथ में लिए हुए, मेरे को तो बाइक आती नहीं थी पहले। बाकी गाइज हमें जाम से लेना पड़ेगा मजबूरन, क्योंकि मेरे को याद आ गया कि मुझे इसमें तेल डलवाना है यार। तो लेट्स फेस द ट्रैफिक इशू नाउ, और वहाँ पे बीले भी होते हैं, अभी बीले से भी बच के निकलना है गाइस, बीले से भी। और ये यमुना विहार है भाई अपना पूरा, ये जितना इलाका देख रहे हो ना ये सब, ये अपना पहले होपिंग प्लेस था। हम यहाँ बहुत आते थे मतलब खाने पीने के लिए, शाम को शेक पीने आ गए, चिल्ली पटेटो खाने आ गए, और बहुत तफरी ली है भाई यहाँ तो, मतलब अलग ही लेवल की मौज मारी है अपनी, बहुत बहुत सारी मेमोरीज जुड़ी हुई हैं। लेकिन अब कहाँ यार, अब तो फुर्सत ही नहीं है आने की ना कहीं जाने की। ये बाइक लेके भी निकला हूँ पता है 2 महीने बाद, मतलब वैसे तो नॉर्मली निकल रहा हूँ लेकिन उसका व्लॉगिंग के लिए 2 महीने बाद भाई। डूड आई वॉन्ट द लाइक एंड सब्सक्राइब, और कमेंट भी कर देना और शेयर भी कर देना गाइस, और थोड़ा सा फेमस भी कर देना भाई, बाकी कुछ नहीं चाहिए, बाकी सब कुछ आ जाएगा फिर। मेरे को लिटरली बताऊँ तो शॉर्ट रोड्स में भगाने का अलग मज़ा आता है, लॉन्ग रोड्स में मेरे को एक मतलब वो फील, वो वाइब नहीं आती यार जो शॉर्ट रोड में, जो एक आवाज़ गूंजती है छोटे रोडों में और जब बाइक भागती है ना, तो आई नो दैट इज़ नॉट सेफ, दैट इज़ डेंजर, और करना भी नहीं चाहिए यार गलियों में किसी को लग जाए। चलाओ तरीके से, कंट्रोलिंग में रखो भाई, रोड खाली हो तो ठीक है भगाओ, अगर नहीं दिख रहा रोड खाली तो जस्ट कीप द ब्रेक ऑन। ओके अभी पेट्रोल डलवाते हैं उसके बाद आगे ये करेंगे BTC। डाल दो भैया अभी फ़िलहाल 2 का ही डलवा रहे हैं, 200 का, नॉट 2000 गाइस। इसके बाद अभी हमें कहाँ जाना है कुछ पता नहीं है, तो अभी तेल उसके हिसाब से डलवाएंगे। भाई रोड्स तो बिल्कुल खाली पड़े हैं। अबे यार आज सैटरडे आई एम सॉरी, इतना खाली नहीं होने वाला रोड। बाकी चलो तुम्हें दिखाता हूँ एक रिएक्शन, थोड़ा सा रिएक्शन दिखाता हूँ मैं तुम्हें, अभी निकाल रहा हूँ मैं भजनपुरा मार्केट के तलब दाइट। तो फिर बुल्ला तो अभी लेके आएंगे हम लोग थोड़े दिन बाद, लेकिन इस बाइक प्लॉट में बुल्ला तो नहीं ला सकते, बुल्ला की आवाज़ ला सकते हैं बस। बाकी दे दो थोड़ा सा रिएक्शन दे दो,
गर्मी ऐसी भयानक लग रही है ना अभी, सिग्नेचर जाए भी ना तसल्ली नहीं मिलेगी अब। बाकी यार बस दुआ ये है कि आवाज़ सही आ रही हो इसमें से। और भैया भैया ने साइड कर दिया, मतलब इस बाइक में एक माफिया गिरी है ब्रो। आवाज़ में माफिया गिरी है इसकी, जलवा है हमारा भाई। अब मेन रोड पे निकाल लेता हूँ क्योंकि सामने खड़े होते हैं बिल्ले, समझ गए। और अपन के पास ना लाइसेंस है, ठीक है ना, इस बाइक के अभी आरसी है, इंश्योरेंस एक्सपायर हो पड़ा है ब्रो, पॉल्यूशन भी एक्सपायर हुआ पड़ा है। ये बाइक सी तो बंद होगी, इस बाइक का ये हाल है इस टाइम पे, समझ रहे हो। तो अभी हम लोग बाहर निकालते हैं और कोने कोने से साइड साइड से निकालने की कोशिश करते हैं बाइक को। A few moments later. बाकी ये आवाज़ ना पता है हेलमेट में ज़्यादा आती है यार, नॉर्मली बहुत कम आती है। ये देखो ये इनका इलाका साड़ों का। बाकी अपने को क्या है यार, अपन तो बस ऐसे ही है, मस्त मौला वेल्ले कहीं भी निकल जाते हैं। कभी किसी दिन पकड़ भी लिया तो कटवा लेंगे भाई चलान, नो ऑप्शंस। बाकी लाइसेंस के लिए अप्लाई करा दूंगा मैं अभी कुछ दिनों में, मेरे को बस फोर व्हीलर थोड़ा सा पक्का करना है अपना, उसके बाद तो फिर भाई लाइसेंस आ जाएगा। बाकी इसकी आरसी भी लेने जानी है अभी गाइस, वो भी नहीं ली है। और इट्स टाइम टू राइड गाइस, क्योंकि हम आ गए सिग्नेचर पे और यहाँ गाड़ी तो बस भागेगी। टच हो गई है गाड़ी फुल आउट द साउंड गाइस। ये एक दो बाइक आ गई आगे, वरना मैं आगे नहीं जाता। अभी 125 टच हो गई थी शायद से गाइस, अभी चेक करूंगा। बाकी इस बाइक को कहते हैं ऐसा कि 155 तक तो टच जाती है ये, क्योंकि 155 सीसी है, बट मेरे ख्याल से रियलिटी में 120 सीसी है। तो 124 भी जा रही है, 25 भी जा रही है, तो इनफ यार बाइक तई भाग रही। मतलब मेरे को बाइक की परफॉर्मेंस से मतलब यार बाइक भागती कैसे, लुक वाइज बढ़िया सब कुछ सही है। अपन के लिए परमानेंट नहीं है ये, हम लोग ड्यूक 390 भी लेंगे अभी, उसका भी है प्लान, सॉरी आरसी 390, और उसके बाद तो फिर हाई लेवल का प्लान है भाई, वो तो तुम्हें दिखाई दूंगा मैं जब आएगा। मैं हमेशा राइडिंग जो है ना सोलो प्रेफर करता हूँ, लेकिन आज बारिश भी हो गई शिट। भाई मेरा फोन है आगे और ये बारिश हो चुकी है, उससे पहले ये बारिश हो मुझे संगम यार पहुंचना होगा यार। फैजान भाई की बहुत हालत खराब हो रही है, जिसे कहते हैं ना अलग लेवल की हालत खराब हो रही है, कह रहे लीन मत करो, नहीं कर रहा भाई लीन। जाम देख रहे हो उस रोड का, और मौसम ओए एक नंबर मौसम हो गया भाई। फजील को फोन करो पूछो कहाँ है, बाकी घर से निकलते हुए ना मुझे लग रहा था पूरा पक्का की बारिश होने वाली है आज, और बारिश हो ही गई, लेकिन ये इतनी तेज कोई बारिश नहीं है भाई, ये हल्की फुल्की बारिश है, अभी रुक जाएगी थोड़ी देर में। स्नोफॉल हो रही है भाई मनाली में, इसलिए बारिश हो रही है। हाँ तुम्हें बताना भूल गया गाइस, बुक करो अराउंड वर्ल्ड को कॉन्टैक्ट करो, नो प्रमोशन, मेरी खुद की कंपनी है इसलिए बोल रहा हूँ, आ जाओ कॉन्टैक्ट करो और जाओ मनाली कसोल घूम के आओ। होली के ट्रिप्स निकाल रहा हूँ वहीं में, तो होली की बढ़िया ट्रिप्स निकलेंगी अपने पास, रेस्ट उसके बाद देखते हैं क्या सीन है भाई। लद्दाख स्पीति विस्पीति सब कुछ करना है, सब कुछ दबा कर यार, मेरे को ना बिली मारना सीखना है, बाकी बारिश ने मेरे फ़ोन की हालत ख़राब कर दी होगी गाइस, जल्दी से पहुंचना पड़ेगा क्योंकि फ़ोन में बीच रोड पे तो निकालूंगा नहीं, ब्लॉग तो संगम बिहार तक खींचेगा, कुछ भी कर ले तुमने ब्लॉग पूरा बनेगा। तो ये भाई अपना संगम बिहार वाला फ्लाईओवर पूरा, ठीक है यहाँ से ये इलाका इतना सेक्सी डेवलप हो चुका है ना इस टाइम पे। बाकी बाइक की वजह से आवाज नहीं आ रही होगी तो तेज बोल देता हूँ यार, ये लगा बड़ा अच्छा डेवलप हो चुका है। अभी हम भैया भाई के पास पहुंच चुके हैं और हम पहुंचने के बाद बस बैठेंगे, और बहुत सारी बीकेसी हो गई भाई बहुत सारी। फैजान भाई की थोड़ी सी हालत खराब है अभी, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है भाई, टेंशन मत लो, तुम्हारा भाई राइड अलग।
ब्रो अब वक्त आ गया है फजील भाई के पास पहुंचने का, और न्यू जाफराबाद तुसंगम बिहार का ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं। बाकी एंड करते नहीं करते कुछ नहीं पता भाई अभी फ़िलहाल तो, लेकिन अभी ये है कि ये ब्लॉग कल हम लोग पक्का कंटिन्यू करेंगे, या फिर अगर आज बारिश रुक गई तो इसको कंटिन्यू करता हूँ, क्योंकि मैं गीला हो चुका हूँ भाई। और अभी दिख नहीं रहा है बट मुझे पता लग रहा है, कैमरे भी पता लग रहा होगा तुम लोगों को, बहुत सही बारिश हो रही है यहाँ पर, सुबह से हो रही है भाई बहुत तगड़ी। फिलहाल तो फजलू भाई के पास पहुँचने वाला हूँ बस। फैजान भाई ऐसे मत करा करो, तुम मेरे को डरा देते हो अब। चलो भाई